बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गर्ल्स एंड बॉयज? ठीक है आप लोग? आज हमने लेक्चर नंबर 20th करना है ओ लेवल का, और सेकंड हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर, एंड द टॉपिक इज द रीडिंग साइलेंस। यू टॉक्ड अबाउट अ बॉय हु वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड ही डेवलप्ड हिज हैबिट ऑफ इंटेंस रीडिंग। वो बहुत मतलब मजे से इतनी रीडिंग करता था कि ही डिड नो द सराउंडिंग अबाउट अराउंड हिमसेल्फ। उसको पता नहीं था होता कि मेरे इर्द गिर्द क्या आ रहा है। वी हैव डन द रीडिंग एंड द क्वेश्चन आंसर्स, नाउ इज द टर्न ऑफ वोकैबुलरी। लेट्स सी वोकैबुलरी, दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम योर पैसेज क्लस्टर। पहला वर्ड है, उसके बाद क्लस्टर। आपने यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ क्लस्टर। क्या मीनिंग था क्लस्टर का आपको? आई हैव टोल्ड यू ड्यूरिंग द रीडिंग। एनीवेज आई कैन टेल यू राइट नाउ, क्लस्टर इट्स ग्रुप आर मैस। सेकेंड वन इज डिलीरियस। डिलीरियस का मतलब है मैड नॉट इन वंस सेंसेस, कि कोई पागल है या वो सेंसेस में नहीं है। डीकोडेड, डीकोडेड अंडरस्टूड या मेड सेंस ऑफ। कोई ऐसी चीज आप सुनो, समझ नहीं आ रही, उसको फौरन अपने माइंड में आप उसको इंटरप्रेट करते हो, आप समझ जाते हो, डी कोड कर लेते हो। नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड गेन्ड स्पीड, अपनी रफ्तार को तेज कर लेना। ये रोबस्ट, ये अपनी वो जो थे अमेजोन वाला बुक थी, उसमें वो जो फैमिली थी उसके बारे में ये कमेंट था। रोबस्ट, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ही विश टू बी द पार्ट ऑफ द फैमिली विदाउट बीइंग डिसलॉयल। याद है आपको जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि वो उस फैमिली का हिस्सा बनना चाहता था विदाउट बीइंग डिसलॉयल टू हिज ओन फैमिली। फिर वो क्या है, लिम्प। लिम्प क्या था, जब वो ही वॉज ही फेल्ट दैट ही वॉज फीलिंग फ्रॉम द मम्स, जब वो मम्स की सिम्टम्स स्टार्ट होना शुरू हुई तो ये उस वक्त उसकी फीलिंग थी। क्या है ये जी, स्टेगर या लाइफलेस, बिल्कुल ही बेजान हो जाता है। नेक्स्ट वन इज थिकेट। क्या है थिकेट? थिकेट का मीनिंग क्या है जी, कंफ्यूजन या क्लोज ग्रुप, क्लोज ग्रुप श्रब्स, जो जड़ी बूटियां होती है उसके बारे में हो रही है, लेकिन वहां वो कंफ्यूज के मानों में ले रहा है जो हमने लेसन में पढ़ा है। स्लगिश होता है, ये बहुत से बच्चे आजकल बच्चों को ये कहा जाता है, यू आर क्वाइट स्लगिश। स्लगिश क्या होता है, लेजी, सुस्त होना, स्लो मूविंग और लेजी। मेथोडिकली, मेथड से वर्ड है ये, मेथोडिकली का मीनिंग होता है क्या, सिस्टमैटिकली। ये सारे मीनिंग आपको आई हैव टोल्ड यू ड्यूरिंग द रीडिंग, बट वंस अगेन आई एम री इन्फोर्सिंग द मीनिंग सो यू कैन, सो योर वोकैबुलरी कैन बी एनहांस्ड। और वैसे भी आपको पता है कि ये जो अभी मैं करवा रही हूँ आपको, ये आपका है ही वोकैबुलरी का पोर्शन। सो यू मस्ट लर्न ऑल दीज वर्ड्स and you must make it the active vocabulary. आपको ये try to use these words in your daily routine. melancholy, melancholy हम आमतौर पर कहते हैं बहुत उदास है, बहुत ये है, so melancholy होता है उदास होना। so what is supposed to do, what you people are supposed to do is to write the sentences in your own words. Don't copy paste from the text. आप ये टेक्स्ट ही नहीं लेना, मेक अप योर ओन माइंड, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें कि ये वर्ड कहाँ कहाँ। जैसे अगर मैं आपको क्लस्टर की एग्जाम्पल दूँ, द वेरी फर्स्ट इज क्लस्टर, तो हम क्लस्टर मोस्टली स्टार्स के लिए हमने मोस्टली यूज करते हैं क्लस्टर। ये शोबिस के जब बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर भी हम कहते हैं क्लस्टर, या आप आसमान में वो जो देखते हो गैलेक्सीज, बहुत से सितारे इकट्ठे देखते हो तो उसको भी हम क्लस्टर ऑफ स्टार्स का कहते हैं, ठीक है। और डिलीरियस एक्स्ट्राऑर्डिनरी के मानों में भी आता है, लेकिन यहाँ हम आपको मैंने आपको मैड का मीनिंग दिया, ठीक है जी। दिस इज द वोकैबुलरी पोर्शन। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट, अगेन दिस इज द रिवीजन ऑफ योर प्रीवियस लेसन, जिसमें हमने मेटाफर और सिमिलीज की थी। यहाँ पे फिर मेटाफर और सिमिलीज का है आपकी एक्सरसाइज में। आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द मेटाफर एंड व्हाट इज सिमिली, लेकिन फिर आपको मैं उसका रीकैप करूंगी। मेटाफर एंड सिमिली, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इट्स क्वाइट क्लियर। मेटाफर, मेटाफर क्या होता है?
मेटाफर अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो मेटाफर वो टेक्निक होती है कोई भी चीज़ पोइट्री या प्रोज लिखने में, जिसमें हम दो चीज़ों की जो एक जैसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हम उसको बयान करते हैं. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ द वर्ड मेटाफर. मेटाफर क्या होता है जी? अ फिगर ऑफ स्पीच, बोलने के दौरान एक ऐसा आर्टिकल इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज अप्लाइड टू अनदर ऑब्जेक्ट आर एक्शन. कि हम एक वर्ड को किसी चीज या किसी एक्शन या किसी जो हम काम करते हैं इस तरह उसके साथ रिलेट करते हैं, इस तरह कनेक्शन बनाते हैं कि जो आम तौर पर हम नहीं बना सकते, जो उनमें आम तौर पर कोई कनेक्शन नहीं होता है. नेक्स्ट इज सिमिली. अच्छा, ये जो मेटाफर होता है ना, इसको हम उर्दू में इस्तारा कहते हैं. ठीक है, इसको हम कहते हैं इस्तारा. नेक्स्ट है सिमली. इसको हम कहते हैं तशबीह देना, एक जैसा होना. इसकी पहचान ये होती है कि जहाँ ये सिमली इस्तेमाल होती है वहाँ हम वर्ड एज इस्तेमाल करते हैं या लाइक इस्तेमाल करते हैं. एज या लाइक, देखते हैं व्हाट इज द सिमली. Simile is a figure of speech, so both are figure of speech. Metaphor is a figure of speech. बोलने के दौरान हम इसको इस्तेमाल करते हैं. Involving the comparison, so ये comparison होता है. Simile भी comparison होता है, metaphor भी comparison होता है. So what is a figure of speech involving the comparison of one thing with another thing? एक चीज का दूसरी चीज के साथ हम मवाजना करते हैं. Different kind. Used to डिफरेंट काइंड होते हैं लेकिन उनमें कोई चीज़ कॉमन होती है. टू मेक अ डिस्क्रिप्शन मोर इम्फेटिक. इम्फेटिक हम किसी चीज़ पर जोर दे के बोलते हैं, उसको और क्लियर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी को बड़ा ही बहादुर कहना हो तो हम उसको किसके साथ तशबीह देते हैं, हम उसको किसके साथ मिलाते हैं. एज ब्रेव एज अ लॉइन. एज ब्रेव एज अ लॉइन, कि हमारे नज़दीक लॉइन क्या है? बहुत एक बहादुरी की निशानी है. तो किसी को हमने बहादुर कहना हो तो हम इस तरह. मैंने आपको पिछले जब हमने मेटाफर और सिमली की थी तो उसमें मैंने आपसे आपको ये कहा था कि हम जैसे इफ समवन इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, इज अ वेरी गुड बैट्समैन, और वो बहुत ही ज़्यादा वो लगाता है सिक्सर्स और फोर्स और बाउंड्रीज वो हिट करता है, तो फिर उसको हमारे यहाँ वो कभी उसको शाहिद अफरीदी से तशबीह दी जाती थी. या अगर फुटबॉल में हो तो रोनाल्डो मैसी, तो हम उसको कहते हैं कि वो ही इज द रोनाल्डो ऑफ माई टीम. इस तरह हम बयान करते हैं. सो तो इस तरह हम अपनी गुफ्तगू को, अपनी कन्वर्सेशन को एक बड़ा एक अच्छा सा टच देते हैं. जैसे आपको मैंने पिछले लेसन में भी कहा था कि कोई बहुत ही गौर से बात कोई सुन रहा हो तो हम उसको तो वो कह सकते हैं यस आई एम ऑल ईयर, कि मैं आपकी बात बड़ी गौर से सुन रहा हूँ या मैं आपकी बात बड़े गौर से सुन रही हूँ. तो उसको हम इंग्लिश में हम कह सकते हैं आई एम ऑल ईयर, कैरी ऑन, आई एम ऑल ईयर, राइट. तो सो सिमिली है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है सिमिली का क्वेश्चन है कि कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सिमिली ऑफ योर ओन. आपने इसको अपने तौर पर एक स्टैंडर्ड सिमिली बनानी है. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन इज द कार स्पेड अलोंग. कार इतनी तेज चली, कैसे चली कार, कितनी तेज चली? अगर आप जहन से सोचो तो कार कितनी तेज चली. ये फिर है द एलियंस लेग्स वर लॉन्ग. कितनी लंबी, आप इसको किसके साथ तशबीह दोगे, इसको किसके साथ सिमिली बनाओगे? द रोड स्ट्रेच्ड अहेड एंड द मिस्ट ग्रेजुअली कवर्ड अस. मिस्ट क्या होती है? धुंध जो होती है, ये जो गैसेस हमारे ऊपर वो एक फॉग की फॉर्म में, एक धुंध की फॉर्म में. द मिस्ट ग्रेजुअली कवर्ड अस एंड द न्यूज शॉक्ड हर. देखिए ये सारी फ्रेजेस दिए गए थे और आपने इसके साथ सिमिली बनानी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पहली बात करूँ, the car sped along like a bullet, या like a bullet train, कि वो कार इतनी तेजी से चली जैसे कोई बुलेट चलती है, जैसे गोली चलती है. और फिर अगला था the aliens legs were long. एलियन जो हमारी ज़मीन पे नहीं लोग रहते तो उनको हम एलियन का नाम देते हैं, तो उनकी टांगें कैसे लंबी थी,
आप जरा सोचें सोचें, जरा ज़हन में बनाएं कि किसी की टांगे बहुत लंबी है तो आप उसको किसके साथ तशबीह दोगे? लाइक ए टॉल ट्री कह सकते हैं आप. द एलियंस लाइक्स वर लॉन्ग लाइक अ टॉल ट्री, या एज अ लॉन्ग ट्री, कैसे एज लाइक अ पोल, जैसे ये खम्बा सा होता है, इलेक्ट्रिक पोल जिसको हम कहते हैं. तो बाकी आपने खुद बनाने, ठीक है? बाकी तीन बचते हैं, चले तीन में तीन बचते हैं, तीनों आपने करके मुझे सेंड करने हैं. नेक्स्ट वन इज यूज ईच ऑफ द वर्ब्स ए टू ई मेटाफोरिकली इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन. मेटाफोरिकली कि हम आमतौर पर हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको थोड़ा सा आपने हट के इस तारे के मानों में लेना है. जैसे फॉर द फर्स्ट वन इज टू ईट, फिर है टू बर्न जला देना, टू स्वेलो खा जाना, सालम निगल जाना बगैर चबाए, विदाउट च्यूइंग. यू व्हेन यू ईट समथिंग विदाउट च्यूइंग हम उसको कहते हैं स्वेलो. नेक्स्ट वन इज टू रीड एंड टू क्रश. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम टू ईट का बनाएं तो हम बनाना खाते हैं, खाना खाते हैं, राइस खाते हैं, वी ईट राइस, वी ईट बनानास, वी ईट पोटैटो चिप्स, वी ईट सो मेनी थिंग्स. सो व्हाट वुड बी द ऑड थिंग फॉर एग्जाम्पल, हम क्या ऐसी शय खाएं कि जो आम रूटीन में तो नहीं होती? तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल बनाई है, टू ईट द वर्ड्स, अल्फाज खा जाना. अल्फाज खा जाना मतलब कोई किसी ने कोई बात कही है तो वो अपनी बातों को बातों से मुकर जाए, तो हम कहते हैं ही ईट ही ईट्स हिज वर्ड्स आफ्टर पासिंग सम रिमार्क्स, कि वो अपने अल्फाज को हजम कर गया. फिर टू बर्न है, फिर टू स्वेलो है, बर्न इन हिज ओन फायर, बर्न इन हिज ओन फायर के जो अपनी ही जलाई हुई आग में या अपने गुस्से शदीद गुस्से में वो जल रहा था. सो इट वॉज दिस इज ऑल फ्रॉम टूडेज. आपने आपको फिर आज हमने मेटाफर और सिमिली कराई. बेसिकली दिस इज जस्ट टू एनहेंस योर कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन क्या होती है? गुफ्तगू. आपकी गुफ्तगू और आपकी जो तहरीर होती है लिखी हुई, इफ यू यूज द मेटाफर्स एंड सिमिलीज इट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन. बट यू इफ यू वॉन्ट टू बी गुड इन मेटाफर्स एंड सिमिली यू हैव टू रीड अ लॉट. आपको बहुत सा पढ़ना पड़ता है, बहुत सा समझना पड़ता है, देन यू हैव टू राइट ऑन योर ओन एंड जस्ट टू गेट करेक्ट फ्रॉम योर टीचर और योर एल्डर्स एट होम. लिखे लिखे उसको, फिर उसको चेक कराए, इट वुड इम्प्रूव यू. सो टुडे हमने आज अब आपको मैंने पहले सेंटेंसेस कराए, वर्ड्स वोकेबलरी कराई आपने. यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस, इट विल हेल्प यू टू मेक योर सेंटेंस स्ट्रक्चर बेटर. यहाँ पे भी आपने यू हैव टू कंप्लीट, दो दो मैंने आपको करनी है. आई हैव सॉल्व फ्रॉम टू फ्रॉम ईच, टू सिमिलीज मैंने आपको सॉल्व कर दी हैं, टू आपको मैंने मेटाफर सॉल्व कर दी हैं. यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ सिक्स, राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू वेरी मच.